वेलकम टू फूड शिप। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा। बहुत ही अच्छी और सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। खास करके बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है 2 पिज्ज़ा बेस, मोजरेला चीज, एक छोटा प्याज कटा हुआ, एक छोटा शिमला मिर्च कटा हुआ, एक छोटा टमाटर कटा हुआ, 2 चम्मच पिज्जा सॉस, 1 चम्मच टोमेटो केचप, थोड़ा सा बटर ग्रीस करने के लिए, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद अनुसार। तो आइए बनाते हैं पिज्ज़ा। सबसे पहले हम पिज्ज़ा सॉस में टोमेटो केचप को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम पिज्ज़ा बेस पर फैलाएंगे। अब इसके ऊपर चीज कद्दूकस कर लें। शिमला मिर्च, प्याज, अब इसके ऊपर कटा हुआ टमाटर रख दें इस तरीके से, जो देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक। अब इस पर हम चीज कद्दूकस कर लेंगे। थोड़ा सा बटर हम बेकिंग ट्रे पर लगाएंगे। अब तैयार बेस को इसके ऊपर रख दें। एक रैक के ऊपर इस तरीके से रखें। माइक्रोवेव में इसको प्री हीट मोड पर हम 7 से 8 मिनट के लिए बेक करेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इस बीच मैंने दूसरा पिज्जा बेस तैयार कर लिया था, तो इसको भी बेक करने के लिए रख देते हैं। अब इसके ऊपर चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करें और कट कर लें। बहुत अच्छा पिज्जा बना है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।